फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जीएसटी के एनुअल रिटर्न को किस प्रकार फाइल करना है और यदि किसी टैक्सपेयर का जीएसटी एक्ट के अंदर ऑडिट होना है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को किस प्रकार फाइल करना है, इसके लिए सीबीआईसी ने नई क्लेरिफिकेशन को इशू किया है जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न यानी कि GST-9 और GST-9A के लिए बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट यदि कोई टैक्सपेयर कराता है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है GST-9C में, इसके लिए भी बहुत से इशू जो है वो अराइज हो रहे हैं, इसलिए CBIC ये क्लेरिफिकेशन इशू कर रही है। CBIC के द्वारा सबसे पहली क्लेरिफिकेशन अनपेड टैक्स से रिलेटेड दी गई है, यानी कि जीएसटी एक्ट का सेक्शन 73 यह कहता है कि यदि किसी टैक्सपेयर ने टैक्स को पे नहीं किया है, कम पे किया है, गलत रिफंड लिया है या फिर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया है या फिर यूटिलाइज किया है तो वह नोटिस के सर्व होने से पहले अपने आप इसकी करेक्शन कर सकता है और सही टैक्स को पे कर सकता है। इसके बाद टैक्सपेयर के ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी, इसलिए यदि किसी टैक्सपेयर ने GSTR-1 में कोई सप्लाई नहीं दिखाई है, आउटवर्ड सप्लाई या फिर GSTR-3B की रेगुलर रिटर्न में कोई सप्लाई नहीं दिखाई है तो उस केस में ऐसे टैक्सपेयर DRC-03 के जरिए टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं और जब वो ये इंटरेस्ट और टैक्स पे कर देंगे तो उसके बाद वो ये पेमेंट जो है वो एनुअल रिटर्न में दिखा सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी टैक्सपेयर ने GSTR-1 या फिर GSTR-3B में आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स पे नहीं किया है तो उस केस में वो टैक्स पे कर सकता है। इसके लिए वो सबसे टैब में जाएगा, यूजर सबसी में जाएगा, माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करेगा, उसके बाद यहाँ पे वो इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC-03 सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे नई एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद टैक्सपेयर के सामने DRC-03 का फॉर्म जो खुल जाएगा, यहाँ पे वो एनुअल रिटर्न को सिलेक्ट कर सकता है। यदि उस वह एनुअल रिटर्न में सप्लाई को डिक्लेयर कर रहा है जिसपे कि उसने टैक्स पे नहीं किया था और अब DRC-03 के जरिए टैक्स पे कर रहा है, या फिर यदि उसका ऑडिट हुआ है और उसमें उसकी कोई लाइबिलिटी आ गई है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है और DRC-03 के जरिए वो अपने जो टैक्स की पेमेंट है वो कर सकता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन जो CBIC ने इशू किया है वो है कि सोर्स ऑफ डेटा क्या होना चाहिए एनुअल रिटर्न का, यानी कि क्या GSTR-1 से डेटा लेना है, GSTR-3B से डेटा लेना है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटा लेना है। यहाँ पे CBIC के द्वारा एक क्लैरिफाई किया गया है कि GSTR-1 और GSTR-3B दो अलग पर्पज सर्व करते हैं। GSTR-1 में आप आउटपुट सप्लाई की डिटेल देते हैं जबकि GSTR-3B सभी ट्रांजेक्शन की समरी है जिसपे कि आप टैक्स भी पे करते हैं। इसलिए आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपका GSTR-1, GSTR-3B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तीनों ही मैच होने चाहिए। यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट GSTR-1, GSTR-3B मैच नहीं करते हैं तो उस केस में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपने टैक्स पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, उस केस में आपको एनुअल रिटर्न में वो सप्लाई डिक्लेयर करनी है और उसका टैक्स आपको पे करना है DRC-03 के जरिए। दूसरा केस हो सकता है कि आपने टैक्स जो है वो एक्सेस पे कर दिया है, इस केस में भी आपको इन्फॉर्मेशन एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर करनी है और जो रिफंड है उसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए फॉर्म GSTR-01A दिया गया है GST पोर्टल पर जिसमें कि रिफंड अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप एनुअल रिटर्न के जरिए कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने GSTR-3B में क्लेम नहीं किया है उसे आप अवेल नहीं कर सकते और ना ही रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए यदि टैक्सपेयर को लगता है कि उसने कोई गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था और उसे रिवर्स करने की आवश्यकता है तो उस केस में उसे GST-DRC-03 सेपरेटली यानी कि अलग से फाइल करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और आपका एनुअल रिटर्न में रिफंड आता है तो उस केस में आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सबसे टैब में जाएंगे, रिफंड में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड की टैब दी गई है, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिफंड टाइप दिए गए हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यदि आपने एक्सेस पेमेंट की है टैक्स की तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट बटन पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपका टैक्स पीरियड दिया होगा, आप टैक्स पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगला क्लैरिफिकेशन जो सीबीआईसी ने इशू किया है वो जीएसटी 9 में जो टेबल 8A दिया गया है उसके बारे में इशू किया गया है, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2A में आ रहा है और जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 9 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। सीबीआईसी ने कहा है कि टेबल 8 में टेबल 8D दिया गया है, जहाँ पे कि टेबल 8A में यानी कि जीएसटी 2 में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है और जो आपने जीएसटी 3B के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच में अवेल किया है फाइनेंशियल 2017-18 का, उसका डिफरेंस यहाँ पे 8D में आता है। जीएसटी के एनुअल रिटर्न के टेबल 8 में जो डेटा आ रहा है उसके बारे में टैक्सपेयर को बहुत सी कन्फ्यूजन थी, जिसके बारे में कि सीबीआईसी ने पे क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी 9 के टेबल 8D में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्यूट हो रहा है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि जीएसटी 2A में टैक्सपेयर को अवेलेबल तो था लेकिन जुलाई 2017 से मार्च 2019 के बीच में उसने अवेल नहीं किया है और अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की डेडलाइन फाइनेंशियल 2017-18 के लिए क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अब अवेल नहीं किया जा सकता है फाइनेंशियल 2017-18 का, इसलिए फाइनेंशियल 2017-18 के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लैप्स होने का क्वेश्चन ही नहीं होता है क्योंकि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सपेयर ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्लेम ही नहीं किया है जीएसटी 3B के जरिए, इसलिए टैक्सपेयर को इस वैल्यू से का जो है वो कंसर्न नहीं होना चाहिए जो कि टेबल 8D में अपीयर हो रही है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए है ताकि वह सेटलमेंट कर सके। जीएसटी 9 के टेबल 8A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो उस जीएसटी 1 के बेसिस पर आ रहा है जो कि सप्लायर ने ड्यू डेट तक फाइल कर दी है, वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है। सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि यदि फाइनेंशियल 2017-18 की सप्लायर के द्वारा जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जो जीएसटी 1 को फाइल करने की ड्यू डेट दी गई थी उसके बाद यदि फाइल की गई है तो उस केस में वह डिटेल जीएसटी 9 के टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी लेकिन यह डिटेल जीएसटी 2A में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी क्योंकि जीएसटी 1 से यह डेटा जीएसटी 2A में जाता है, भले ही सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न है वो फाइल की है, इसलिए इस केस में मिसमैच आएगा, जो डेटा जीएसटी 2A में आ रहा है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी 2A में आएगा और जो आपके जीएसटी 9 के टेबल 8A में आपको ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि जीएसटी 9 के टेबल 8A में वही डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा जो कि एज ऑन 1 मई 2019 जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड। सीबीआईसी का जो अगला क्लैरिफिकेशन है वो जीएसटी 9 में जो टेबल 6 दिया गया है, यानी कि जो ITC आपने अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे टेबल 6A में आ जाती है जो कि आपने जीएसटी 3B में क्लेम किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है और यहाँ पे सब क्लोज ई दिया गया है, यानी कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आपको यहाँ पे बाइफरकेशन देना होता है इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे आपने कितना क्लेम किया है। उसके बाद जब आप जीएसटी 9 के टेबल 8 को देखेंगे यानी कि ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सब क्लोज आई दिया गया है जो कि डिफरेंस बताता है GNH में, यानी कि जो आपने गुड्स का इंपोर्ट किया है उसके ऊपर जो IGST पे किया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जो आपने 6E में इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपोर्ट्स पर अवेल किया है IGST का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे G-H जो है वो डिफरेंस आ जाएगा और जो डिफरेंस आएगा जिसे कि आई कहा जाएगा वह इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो कि अवेलेबल तो था आपको लेकिन आपने अवेल नहीं किया है गुड्स की इम्पोर्ट पर। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटी 9 के टेबल 8J में जो डेटा आ रहा है उसके लिए सीबीआईसी ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन इशू की थी 4 जून 2019 जिसमें कि कहा गया था कि जो भी आपने IGST पे किया है इंपोर्ट के टाइम में जुलाई 2017 से मार्च 2019 के बीच में वो आपको जीएसटी 9 के टेबल 6E में डिक्लेयर करना है। यदि टैक्सपेयर ने सही से ये काम किया है तो उस केस में जीएसटी 9 के टेबल 8I और टेबल 8J में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा क्योंकि टैक्सपेयर को अवेलेबल तो था लेकिन उसने चूज़ किया कि वो उसे अवेल नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल 2017-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की जो लास्ट डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए अब फाइनेंशियल 2017-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता है,
इसलिए अब टैक्स पेयर को इससे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एंटर ही नहीं किया था, इसलिए जो वैल्यू टेबल 8I और टेबल 8J में आ रही है उससे टैक्स पेयर को कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे सेटलमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए। अगला जो क्लेरिफिकेशन CBIC के द्वारा दिया गया है वो GST-9 में जो टेबल 16A दिया गया है उससे रिलेटेड है, यानी कि जो सप्लाई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव की गई है। इसके साथ ही CBIC ने टेबल 18 यानी कि जो इनवर्स सप्लाई की HSN वाइज समरी आपको रिपोर्ट करनी होती है GST-9 में गुड्स और सर्विस से रिलेटेड, उसके लिए भी क्लेरिफिकेशन इशू किया है। CBIC ने कहा है कि कुछ टैक्स पेयर ने कुछ डेटा रेगुलर रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया है, यानी कि टेबल 16A का जो डेटा है यानी कि इनवर्स सप्लाई जो कंपोजिशन टैक्स पेयर से ली गई है, या फिर टेबल 18 से रिलेटेड जो डेटा है यानी कि HSN कोड जो है इनवर्स सप्लाई से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे देखा गया है कि स्मॉल टैक्स पेयर ने ये जो डेटा है वो GSTR-1 या फिर GSTR-3B में सही से डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए CBIC ने यहाँ पे एडवाइजरी इशू की है कि ऐसे टैक्सपेयर अपनी बेस्ट नॉलेज और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पूरा डेटा अपने GSTR-9 के एनुअल रिटर्न में दिखाएं, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए CBIC के द्वारा देखी जाएगी। इसलिए यदि आपका यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने रेगुलर रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया और आप एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इस इन्फॉर्मेशन को एडवर्सली नहीं देखा जाएगा, यानी कि CBIC आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी यदि आपके पास कोई रीजनेबल कोर्स था। अगला क्लेरिफिकेशन CBIC के द्वारा टेबल 5 से रिलेटेड दिया गया है GSTR-9 के, जिसमें कि आपको आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करनी होती है जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर में की है जिस पे कोई टैक्स पेबल नहीं होता है। यहाँ पे कॉलम डी ई और एफ दिए गए हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रिलेटेड एंड नॉन GST सप्लाई। CBIC के द्वारा कहा गया है कि बहुत से टैक्स पेयर का कन्फ्यूजन है कि GST-9 में एग्जेम्प्टेड में क्या दिखाना है, टेबल 5D 5E नील रिलेटेड में क्या दिखाना है, नॉन GST सप्लाई 5F में क्या दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कुछ टैक्स पेयर नील रिलेटेड को एग्जेम्प्टेड में दिखा रहे हैं, एग्जेम्प्टेड को नील रिलेटेड में दिखा रहे हैं। CBIC ने कहा है कि क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर कोई टैक्स पेबल नहीं है, इसलिए यदि आप ओवरलैप भी कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को रिपोर्टिंग में तो उसे सीरियसली नहीं लिया जाएगा CBIC के द्वारा, यानी कि आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई रीजनेबल या फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो होनी चाहिए, रीजनेबल कोज होना चाहिए। इसके अलावा CBIC ने कहा है कि कुछ टैक्स पेयर पूछ रहे हैं कि नॉन GST सप्लाई में क्या आएगा टेबल 5F में, इसके बारे में यहाँ पे CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि नॉन GST सप्लाई के अंदर आएगी अल्कोहल, लिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस और वो ट्रांजेक्शन जो कि शेड्यूल 3 में डिफाइन की गई है CGST एक्ट में। यह शेड्यूल 3 CGST 2017 का, जहाँ पे कि यदि एक्टिविटी या फिर ट्रांजेक्शन ये की जाती हैं तो ना तो इन्हें GST एक्ट के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसलिए यदि ये इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फाइनेंशियल 2017-18 में आपके पास कोई वैल्यू है तो आपको उसे नॉन GST सप्लाई में रिपोर्ट करना है, जैसे कि एम्प्लायर एम्प्लाई के बीच में जो ट्रांजेक्शन है जैसे कि सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, या फिर सेल ऑफ लैंड आपने की है इंक्लूडिंग सेल ऑफ बिल्डिंग, तो आप ये ट्रांजेक्शन नॉन GST सप्लाई में दिखाएंगे। अगला क्लेरिफिकेशन CBIC के द्वारा रिवर्स चार्ज से रिलेटेड इशू किया गया है, यानी कि यदि टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल 2017-18 से रिलेटेड रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी फाइनेंशियल 2018-19 में पे की है तो उसे किस प्रकार डिस्क्लोज करना है। CBIC ने कहा है कि इस केस में पेमेंट फाइनेंशियल 2018-19 में की गई है, इसलिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी फाइनेंशियल 2018-19 में ही क्लेम कर सकते हैं, इसलिए आपको यह जो लाइबिलिटी है जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे अपना GST पे किया है वो फाइनेंशियल 2017-18 की एनुअल रिटर्न में नहीं दिखाना है, बल्कि 2018-19 की जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें आप दिखाएंगे। इसलिए यदि इस कैलकुलेशन की वजह से आपका कोई डिफरेंस आता है तो उसे एडजस्टमेंट को आप यदि आपका ऑडिट होता है GST-9C में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे आपको दिखाना है, वहाँ पे आप ये रीज़न रिपोर्ट करेंगे। अगला क्लेरिफिकेशन CBIC के द्वारा चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल पर इशू किया गया है, क्योंकि कुछ टैक्सपेयर के द्वारा ऐसी एप्रीहेंशन इशू की जा रही थी कि कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर जाकर अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं जब वो GST-9C
कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करेंगे यानी कि जीएसटी एक्ट के अंदर ऑडिट करेंगे। इसके बारे में सीबीआईसी ने कहा है कि जीएसटी एक्ट इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जब कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टर अकाउंटेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस केस में उनका रोल लिमिटेड होगा, यानी कि जो वैल्यूज जीएसटी की एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी नाइन में टैक्सपेयर ने डिक्लेयर की है उसे उन्हें रिकंसाइल करना है जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट है टैक्सपेयर के उनके साथ। अगला क्लैरिफिकेशन, सीबीआईसी के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराने और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को फाइल करने से रिलेटेड इशू किया गया है, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए टर्नओवर को किस प्रकार देखना है। इसके लिए सीबीआईसी ने कहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो देखी जाएगी, यदि व्यक्ति का परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है तो उसने जितनी भी रजिस्ट्रेशन ली हुई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत उन सबकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी। इस प्रकार मान लीजिए किसी टैक्सपेयर ने दो स्टेट्स में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली हुई है, एक स्टेट में उसकी टर्नओवर 1.2 करोड़ है तो दूसरे स्टेट में 1 करोड़ है, तो जो टोटल टर्नओवर है वो 2.2 करोड़ रुपया हो जाती है, यानी कि 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक्सीड हो रही है। इसलिए इस केस में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दोनों ही स्टेट्स को में उसे फाइल करनी है अलग से, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो जुलाई 2017 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए देखी जाएगी। इस प्रकार अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के पीरियड की एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखी जाएगी, बल्कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 की एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सपेयर की देखी जाएगी। जीएसटी 9 में पॉइंट नंबर 5 दिया गया है जिसमें कि आपने फाइनेंशियल 2017-18 की भी ट्रांजेक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की हैं अप्रैल से मार्च 2019 के बीच में, तो उस केस में आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि यदि आपने फाइनेंशियल 2017-18 का डेबिट या क्रेडिट नोट फाइनेंशियल 2018-19 में इशू किया है तो उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार होगी। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि सितंबर 2018 के बाद आप फाइनेंशियल 2017-18 का कोई भी क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी एक्ट का के अंतर्गत जो क्रेडिट नोट इशू होता है वो इशू नहीं कर पाएंगे सितंबर 2018 के बाद फाइनेंशियल 2017-18 से रिलेटेड। इसलिए यदि आपने फाइनेंशियल 2017-18 की बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर ली है और उसके बाद आपने फाइनेंशियल 2018-19 में कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है तो उस केस में आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न में दिखा सकते हैं। इसके लिए पॉइंट नंबर 5 में आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टैक्सपेयर का कहना था कि जीएसटी 9C यानी कि ऑडिट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया है यहाँ पे डेबिट नोट को रिपोर्ट करने की प्रोविज़न नहीं दी गई है, यदि फाइनेंशियल 2017-18 में उसकी प्रोविज़न कर ली गई है। सीबीआईसी ने देखा है कि जो टैक्सपेयर ने रिप्रेजेंटेशन दी है कि फाइनेंशियल 2017-18 की बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि प्रोविज़न कर ली गई है डेबिट नोट जो कि फाइनेंशियल 2018-19 में इशू किया गया है उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है पॉइंट नंबर 2 में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, तो इस केस में इसकी रिपोर्टिंग जो है जीएसटी 9C यानी कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के टेबल 5O में करनी है। इस प्रकार जीएसटी 9C यानी कि ऑडिट रिकंसिलेशन में पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत जो सब पॉइंट 5 दिया गया है यहाँ पे सब पॉइंट हो दिया गया है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, अब यहाँ पे ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगला क्लैरिफिकेशन, सीबीआईसी के द्वारा जीएसटी 9 में जो टेबल 6 दिया गया है यहाँ पे सब पॉइंट बी दिया गया है यानी कि इन्वर्स सप्लाई से लेटर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आपको यहाँ पे बाइफ्रिकेशन दिखाना है इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का अदर देन इम्पोर्ट एंड इन्वर्स सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। इसके साथ ही नीचे जो सब पॉइंट GH दिया गया है अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि टेबल 6B और टेबल 6H में कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, यानी कि आपको एक ही जगह पे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, या तो आप टेबल 6H में इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को टेबल 6B में एंटर नहीं करेंगे, यानी कि यदि ITC आपने रिक्लेम किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप टेबल 6H में ही भरेंगे। जिन टैक्सपेयर का जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होना है उन्हें जीएसटी 9C फाइल करनी है। यहाँ पे टेबल नंबर 14 दिया गया है यानी कि जो ITC एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर किया गया है और जो ITC एक्सपेंसेस के ऊपर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अवेल किया गया है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका रिकंसिलेशन यहाँ पे ऑडिटर को दिखाना है। यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए गए हैं, वैल्यू दी गई है, अमाउंट ऑफ टोटल ITC और अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC अवेल यहाँ पे दिया गया है जिसके बारे में कि सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू किया है।
यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक्सपेंसेस पर लिया गया है उसका रिकंसिलेशन किस प्रकार दिखाना है। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि आपको सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस का रिकंसिलेशन जीएसटी 9C में दिखाना है जिनका के इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है। यहाँ पे टेबल 14 में जो लिस्ट दी गई है एक्सपेंसेस की वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, आप और भी एक्सपेंसेस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं यदि आपने उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा है कि सभी टैक्सपेयर से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी एनुअल रिटर्न GSTR-9 या फिर GSTR-9A यदि कंपोजिशन डीलर है तो फाइल करनी है, और यदि आपका ऑडिट होना है GST एक्ट के अंतर्गत तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR-9C में फाइल करनी है। इसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त 2019 है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।